हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन रणवीर देतिमन। आज की वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए स्टूडेंट जो कई सालों तक वेट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अंतरिक्ष विभाग है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आई है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है जो कि 31 जुलाई को आया है और 14 अगस्त तक ये एप्लीकेशन मांगे गए हैं। सैलरी यहाँ पर जो है वो 75,100 रुपए तक आपको मिलेगी। साथ में आप लोगों को फ्री रेजिडेंस प्लस मेडिकल फैसिलिटीज, साथ में कैंटीन की सुविधा और फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ आपको और आपकी फैमिली को मिलेगी। सीटेट जो है यहाँ पर नहीं चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। टोटल यहाँ पर 4,497 पोस्ट हैं पीजीटी, टीजीटी और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करियर सेक्शन जो है इस पर आप लोगों को जाना है और जैसे ही आप यहाँ पर आए तो रिक्रूटमेंट नोटिस में जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब हम लोग जो है कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं, कितनी पोस्ट हैं, एज क्या है, अप्रोक्स सैलरी यहाँ पर मंथ क्या मिल रही है। तो यहाँ पर जो है पोस्ट नंबर जो है 1498 जो वैकेंसी है यहाँ पर पीजीटी की बायोलॉजी की है, 1499 यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है, ठीक है, और साथ में 1500 जो वैकेंसी है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है। तो यहाँ पर जो है आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आपने मास्टर डिग्री किसी भी जो है आर्ट्स और कॉमर्स साइंस से ली हो, तो आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 1500 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी 35 ईयर है सभी के लिए। ओबीसी जो है इसकी 43 ईयर है पीजीटी में और 35 ईयर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। एससी एसटी को जो है यहाँ पर 35 ईयर ही रहने वाली है। वोमेन की जो है यहाँ पर अधिक है ईयर, देखो 50 साल जो है यहाँ पर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती है और 45 साल जो है यहाँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। यहाँ पर जो ये 1500 सीटें हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अगर आपके ये कोई सब्जेक्ट नहीं है पीजीटी टीजीटी में, यहाँ पर जो है वो सभी अप्लाई कर सकती है, बस मास्टर डिग्री यहाँ पर चाहिए। सैलरी जो है यहाँ पर आप देखिए पीजीटी में 75,200 यहाँ पर मिल रही है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी को यहाँ 70,900 मिल रही है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को 55,900 मिल रही है। साथ में इन्होंने क्या लिखा है कि द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सब्सिडीज, कैंटीन फैसिलिटी, हाउसिंग, ठीक है, और यानी आपको हर तरीके से जो है वो भारत सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बाकी चीजें और भी हम जो है यहाँ देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो ये जो है वो कंप्लीट हिंदी में भी है, मैं आप लोगों को हिंदी में भी दिखाऊंगी और जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है वो रहेगी 31 जुलाई स्टार्टिंग है, यानी 31 जुलाई से एप्लीकेशन चल रहे हैं और क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 अगस्त, ठीक है। तो लास्ट डेट जो है वो 14 अगस्त है, तो जो भी एलिजिबल है तो यहाँ पर 14 अगस्त से पहले ही जो एक दो दिन पहले ही जो है वो एप्लीकेशन कर दें। और आप लोगों का यहाँ पर जो है वो रिटन टेस्ट होगा, क्यों इतनी अच्छी पोस्ट है, सैलरी इतनी अच्छी है, सारी फैसिलिटी हैं, तो एक एग्जाम तो होगा ही। तो चलिए मैं आप लोगों को हिंदी में जो है दिखा देती हूँ क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1500 पोस्ट जो कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जहां पर कोई भी जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी इंग्लिश में तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में आपने अंग्रेजी पढ़ा है और हिंदी में आपने जो है वो एमए किया है तो आप एलिजिबल हो। यदि आपने स्नातक स्तर पर हिंदी पढ़ा है और हिंदी के साथ अंग्रेजी में जो आपने एमए किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर और भी है कि यहाँ पर आपने जो है ग्रेजुएशन में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, स्नातकोत्तर की उपाधि ली है तो आप यहां पर एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, यानी हिंदी मीडियम से अगर आपने किया है या फिर इंग्लिश मीडियम से किया है आपने हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने एक और चीज यहाँ पर मांगी है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, ठीक है, ट्रांसलेशन करना हिंदी से अंग्रेजी, और विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय या राज्य सरकार, ठीक है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है, यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपने चाहे सेंट्रल लेवल पर चाहे स्टेट लेवल पर आपने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का अगर कोई भी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अनुभव आपने 2 वर्ष का लिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो टीजीटी की यहाँ पर है, 1499 पोस्ट हैं, 44,900 से 1,42,400 तक यहाँ पर सैलरी है। यहाँ पर कहा है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उच्चतर माध्यमिक के बाद विद्युत में 3 वर्ष का डिप्लोमा राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग, या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत या इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग में स्नातक ग्रेजुएशन की हो, साथ में हिंदी और अंग्रेजी का जो है वह आप लोगों को नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में कहा है कि अगर आपके पास डिजायरेबल यानी कि अन्य में अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी मान्यता प्राप्त वर्कशॉप संस्थान या कारखाने में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव या फिर कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान, ठीक है, अगर ये नहीं भी है तो चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है 1498, ठीक है, काफी वैकेंसी है 1498, तो जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी काफी हैं, अगर आपने मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक या माइक्रो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी से आपने किसी भी जो है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ, साथ में यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी और जूलॉजी मांगा गया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, और बीएड जो है यहाँ पर मांगा गया है। बीएड के साथ इन्होंने कहा है कि अगर कोई इसके समकक्ष अगर इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी यहाँ चलेगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में प्रवीणता, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग की तरफ से है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ये वैकेंसी कहाँ की है, तिरुवनंतपुरम की है, और ये कहाँ पर है, केरला में है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म फीस जो है वो ₹750, 750 रुपए जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो ऑल एप्लीकेंट से मांगी गई है। अभी जो है एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो हाउ टू अप्लाई, इसको जो है वो आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले आप लोग जो है गूगल पर सर्च कर लेंगे इसरो, ठीक है, उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा आपका पेज, यहाँ पर नीचे आपको आना है लेटेस्ट, यहाँ पर करियर पर आपको जाना है, करियर सेक्शन पर आप जैसे ही गए ये पेज ओपन हो गया, रिक्रूटमेंट नोटिस में यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है, और नीचे है ये दोनों एडवर्टीजमेंट हैं तो आप लोगों को इस पर जाना है, यहाँ पर कंप्लीट जो है वो डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। और ये जो वेबसाइट है आप लोगों को इस पर जो है वो ईमेल करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो सीवी है, बायोडाटा है, साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं साथ में अटैच करके, और आप लोगों को इस साइट पर VSSC वेबसाइट पर आप लोगों को भेजना है, ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। और टाइम टू टाइम आप लोग जो है वो चेक करते रहिएगा, जैसे कि एडमिट कार्ड जो है वो कब आने वाला है, एग्जाम डेट जो है वो कब आएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है रिटर्न टेस्ट की जो डेट है टू बी अनाउंस्ड इन VSSC वेबसाइट, ठीक है, तो आप लोगों को इस वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना होगा।